गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को अधिकारी शब्द में बताया गया कि अधिकारी शब्द किसे कहते हैं और अधिकारी शब्द के भेदों के विषय में बताया गया। अधिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोगों को ये बताया गया कि अधिकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के विषय में आपको बता दिया गया है। लास्ट आपका निपात आता है कि निपात क्या है, ये भी अधिकारी का एक भेद है। तो आप आज इसी को जानेंगे कि निपात किसे कहते हैं। निपात एक ऐसा शब्द है जिसका वाक्य में कहीं भी प्रयोग, आवश्यकता अनुसार कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। निपात एक ऐसा अधिकारी शब्द है जिसका प्रयोग वाक्य में आवश्यकता अनुसार कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन ये जिस शब्द के बाद आता है, अर्थात ये अधिकारी शब्द, ये निपात शब्द जिस शब्द के बाद में आता है उस शब्द पर विशेष बल पड़ता है। तो आइए हम देखेंगे कि हमारे निपात शब्द कौन कौन से हैं और निपात शब्द वाक्य में आ करके किस शब्द पर कैसे प्रभाव डालते हैं। निपात शब्द आपके ये भी, ही, तक, मात्र, घर इत्यादि शब्द ऐसे हैं कि जो वाक्य में आते हैं और आने के बाद अपने पहले वाले शब्द पर, जिस शब्द के बाद आते हैं उसी शब्द पर ये अपना प्रभाव डालते हैं, अर्थात विशेष प्रभाव डालते हैं। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को जानेंगे कि ये इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नानी ने मुझे भी कहानी सुनाई, कहानी सुनाई। देखिए यहां पर ये निपात शब्द आया हुआ है भी। आपको पहले ही बताया गया कि ये जिस शब्द के बाद में आता है उस पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है, विशेष बल पड़ता है। तो यहां देखिए नानी ने मुझे, सिर्फ मुझे के बाद ये आया हुआ है भी शब्द। ये मुझे, मुझे शब्द पर कुछ विशेष प्रभाव दे रहा है कि नानी ने मुझे भी कहानी सुनाई, अर्थात नानी ने सबको कहानी सुनाया हो तो साधारण सी बात है, लेकिन यहाँ मुझे शब्द पर विशेष बल पड़ रहा है कि मुझे भी कहानी सुनाई, अर्थात ये निपात शब्द जिस शब्द के बाद आता है अपने पहले वाले शब्द पर वो कुछ विशेष बल पड़ता है। अब ही का प्रयोग हम करते हैं। सुरेश ने ही मुझे मारा, सुरेश ने ही मुझे मारा। यहां पर ये ही शब्द निपात है। ही शब्द सुरेश ने, यहां पर वो व्यक्ति क्या बताया रहा है कि मुझको किसने मारा है, सुरेश ने। अर्थात ही शब्द जहां पर आया हुआ है वो अपने पहले वाले शब्द पर विशेष बल डाल रहा है, उस पे अधिक बल पड़ रहा है कि दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी और ने नहीं। इससे यह साफ साफ पता चल रहा है कि किसी और ने नहीं, किसने मारा है, सुरेश ने मारा है, सुरेश ने मारा है। थर्ड है आपका एग्जाम्पल तक। घर में ऊपर तक पानी चढ़ गया है।
मैं हूं। यहाँ पर मेरे पास मात्र, देखिए मात्र शब्द मेरे पास है, अर्थात मेरे शब्द पर अर्थात मुझ पर वो अपने आप को व्यक्त क्या बता रहा है कि मेरे पास अपने पास को बता रहा है कि मात्र 500 रुपए है। आपको बताया गया कि आधिकारिक शब्द आवश्यकता अनुसार वाक्य में कहीं भी आ सकते हैं। सिर्फ उनका काम यह है कि जहां पर वे आते हैं अपने पहले वाले शब्द पर वो कुछ विशेष बल डालते हैं। लास्ट आपका है भर, भर शब्द मैं जीवन भर परेशान, मैं जीवन भर परेशान नहीं होना चाहता, नहीं रहना चाहता। मैं जीवन भर परेशान नहीं रहना चाहता। देखिए यहां भर शब्द आकर के जीवन, इसके पहले जीवन शब्द आया हुआ है, इस पर ही विशेष प्रभाव डाल रहा है। इसी प्रकार से हमारे बहुत से निपात शब्द हैं जो कि वाक्य में आकर के जिस शब्द के बाद आते हैं उस शब्द, जिस शब्द के बाद आते हैं उस पर विशेष बल डालते हैं। तो ये आपका निपात हो गया। थैंक यू।